वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए कार्ड्स मैंने लिए नहीं है, ये कार्ड आए हैं हमारे सेकंड चैनल के ऊपर यानी कि डेली एंजल गाइडेंस के ऊपर, लेकिन मैसेज कुछ ऐसा था मुझे लगा थोड़ा इसको डिटेल में देखना चाहिए। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। इसकी आधी से ज़्यादा रीडिंग तो मैंने वहाँ दे दी है, फर्स्ट चैनल सेकेंड चैनल पर दे दी है। चैनल के लिंक है मेरे फैमिली चैनल का और सेकेंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप इसकी रीडिंग वहाँ भी सुन लीजिएगा कि वहाँ मैंने क्या बताया है। तो रीडिंग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कार्ड लेती हूँ हमेशा डेली एंजल गाइडेंस में, वहां पे मैं लेती हूँ कि आपको क्या जानने की जरूरत है, आपको क्या करने की जरूरत है और आपको क्या रिलीज करना है। तो इसकी डिटेल आप देख लीजिएगा वहां पे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे इस तरह से कि साई बाबा, क्योंकि वहां पे मैंने साई बाबा का ये चैनल डेक है जो मैंने बनाया था डेफिनेटली, तो ये इसमें से मैसेज लिए थे क्योंकि बृहस्पतिवार था। साईं बाबा यहाँ पे कहना चाहते हैं, तो ये साईं बाबा की तरफ से भी आप मैसेज समझ सकते हैं अगर आप उनको मानते हैं। लॉर्ड जीसस की तरफ से भी आप समझ सकते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारी एनर्जीज होती हैं उनकी। यहाँ पे आपसे कहा गया है अफर्मेशंस का यूज कीजिए और लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है या आने वाली है, या कोई आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन लाना चाहता है जहाँ पर आपको पेशेंस और साथ ही साथ आपको फेथ दोनों ही रखना होगा। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि अपनी प्रेजेंस को सोशल मीडिया के साथ ज्यादा जोड़कर नहीं देखनी है, यानी कि आपका होना या नहीं होना सोशल मीडिया पे कैसे दिखाता है इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या प्रेजेंट करते हैं, डिपेंड इस बात पे करता है कि आप कैसे इंसान हैं, ठीक है। इसकी रीडिंग वहां जरूर देखिएगा क्योंकि इससे ही आपको पूरा ये मैसेज समझ में आने वाला है, क्योंकि वो भी 15-20 मिनट का वीडियो है तो मैं सारा तो यहाँ नहीं दोहरा सकती। लेकिन आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है, तो बेसिक यहाँ पे जो निचोड़ है वो ये है कि कोई एक ऐसा कुछ लोग या कोई इंसान सोशल मीडिया पर या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में आपको ट्रिगर करना चाहता है, क्योंकि जैसे हम डेली एंजल गाइडेंस की वीडियोस में से डेली एंजल गाइडेंस की इस बुक में से मैसेज लेते हैं हर दिन, तो इसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि जब लोग आपको ट्रिगर करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि लोगों की सोच अलग हो सकती है, लोगों की समझ अलग हो सकती है, जीवन को देखने का उनका नजरिया अलग हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जब मैं डिटेल में मैसेज देख रही थी वहाँ पे, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसलिए ये वीडियो उतना लंबा नहीं हो सकता या नहीं मैं बनाने की कोशिश कर रही। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आने वाले समय में या इसी टाइम पीरियड में, मुझे लगता है कि कुछ टाइम पीरियड में आपको कोई इंसान या सोशल मीडिया पे कुछ लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं मेरी तरह, या फिर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे कोई कंटेंट बनाते हैं तो, या फिर सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर, या वैसे ही आपके खिलाफ कोई बातें की जा सकती हैं। नहीं है तो सोशल मीडिया पर आप जैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं उन चीज़ों को लेकर या उन बातों को लेकर कोई इंसान आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर सकता है, ये आपका अपना या पराया कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई इंसान आपकी उस डिविनिटी के लिए, आपकी उस प्योरिटी के लिए, आपकी उस प्योर एनर्जीज के लिए ट्रिगर करने की कोशिश कर सकता है या करना चाहता है या करना चाहती है, जिसमें वो ये दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है, या ये लोग दिखाना चाहते हैं कि आप प्योर नहीं है, आप डिविनिटी से रिलेटेड नहीं है, आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं, और आप जितनी बातें कहते हैं और आप करते हैं वो बिल्कुल झूठ हैं, वो फेक हैं, और अभी तक भी आपके वुंड्स जो हैं हील नहीं हुए हैं। बेसिकली ये इंसान या ये कुछ लोग आपको ट्रिगर करना चाहते हैं आपके वुंड्स के साथ। तो एक सिंपल सी चीज़, पहली बात तो ये है, हर इंसान में वुंड होता है, चाहे उसने खुद को हील कर लिया हो या उसने नहीं किया हो। आप जाके किसी के बटन पुश करेंगे, तेरे साथ ऐसा हुआ था, तू ऐसा है, तूने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने क्या ज़रूरत है। ये वही लोग करते हैं जो कि आपको नीचे गिरा हुआ दिखाना चाहते हैं, या फिर वो ये बताना चाहते हैं कि तुम तो हमारे ही जैसे हो, तुम हमसे डिविनिटी की बात करते हो, तुम हमसे प्योरिटी की बात करते हो, तुम हमसे हीलिंग की बात करते हो, या तुम दुनिया के सामने हीलिंग की बात करते हो, लेकिन तुम तो अकेले में ट्रिगर हो गए हो। हैं, कैसे ट्रिगर हो गए हो, कैसे हो सकते हो? इसलिए हो सकते हो क्योंकि आप आए ही ट्रिगर करने के लिए हैं, आप आए ही बटन पुश करने के लिए, पोक करने के लिए आए हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी भी ये जख्म है कि नहीं है, अभी भी ये जख्म है कि नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ या तो हो गई है या फिर ये आपके साथ होने वाली है, तो थोड़ा अवेयर रहिएगा इस चीज के लिए, ये आपके अवेयर रहने के लिए है। कोई आपके बारे में झूठ बोल रहा है या कोई आपके बारे में झूठ बोलना चाहता है, कोई आपको ये कहना चाहता है जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, कोई आपको ये कहना चाहता है कि अगर तुम हील हो गए हो, ओ कोई आपको ये कहना चाहता है कि अगर तुम हील हो गए हो तो अब चलो तुम हमारी मदद करो। और ये वो लोग आपसे मदद लेना चाहते हैं जो लोग आपके इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार हैं, यानी कि जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ को हेल बनाया है,
जिन लोगों ने भी जो हम रीडिंग्स यहाँ सुनते हैं उन्होंने आपके साथ वो किया है, वो लोग आपकी लाइफ में आकर आपसे ये कहना चाहते हैं, तुम तो हील हो गए हो ना, अब तुम्हें हमारी बात कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब हम तुमसे बातें कह सकते हैं। देखो जब तुमने हमारे साथ ऐसा किया था ना, तुमने हमें ऐसा कहा था, उस बात से हमें गुस्सा आया इसलिए हमने ऐसा किया, तो देखो तुम तो हील हो गए हो, चलो अब हमारी हीलिंग कर दो। अच्छा तुम तो हील हो गए हो, चलो अब तुम हमारी बात सुन लो। अच्छा तुम तो हील हो गए हो, पर हम तुम्हें नीचे गिरा के रहेंगे। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, अपने आप देख लीजिएगा आप इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले, ये रीडिंग रीडिंग नहीं है, ये पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इस काल्पनिक कथा का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर आपके साथ इनमें से कुछ बातें रेजोनेट होती हैं तो वो बिल्कुल और केवल मात्र संयोग होगा, इसलिए इस बात को किसी भी तरह से गंभीरता से लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और पहली बार जुड़े हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग ट्रिगर करते हैं ऐसी बातें बोल बोल के, कई चीज़ें बोल के, तो इसलिए ये काल्पनिक कथा है। जो चीज़ें सही लगे ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा, आपसे इनका कोई संबंध नहीं है। होता है तो ये एक संयोग मात्र है। बी योर ट्रू सेल्फ, आपको अपना ट्रू सेल्फ ही रहने की ज़रूरत है। और जो ये बुक में हमने मैसेज देखा था ना, एंजल्स ने यही कहा है उस वहाँ पे, उस वीडियो के अंदर, उस रीडिंग के अंदर, कि आपको अपना ट्रू सेल्फ रहने की ज़रूरत है, आपको दूसरे में भी लाइट ही देखने की ज़रूरत है। और लॉर्ड जीसस की एनर्जीज में भी यही बात है कि अपना ट्रू सेल्फ हमें रहने की ज़रूरत है, अनकंडीशनल लव में रहने की ज़रूरत है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपको किसी से प्यार करने की ज़रूरत है। भाई अगर मेरे साथ भी इतने लोगों ने इतना कुछ किया है और आज की तारीख में आके कोई मुझसे ये कहे कि हमने तुम्हारे साथ ये किया था लेकिन अब हमें तुमसे हीलिंग की ज़रूरत है, भाई ना मुझे हीलिंग करनी है ना मुझे किसी को वुंड देना है, मैंने बहुत बड़े बड़े हाथ जोड़ रखे हैं, नमस्ते, इसलिए अपना कोई मतलब नहीं है। एन इम्पॉर्टेंट एंड अ न्यू बिगनिंग, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपकी लाइफ में इसलिए ही आना चाहता है, ये कुछ लोग आपको ट्रिगर करना चाहते हैं क्योंकि यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आपको साईं बाबा ने यही बताने की कोशिश की है कि आने वाले समय में आपको कुछ लोग ऐसे इस तरह से ट्रिगर करना चाहते हैं जिससे कि वो आपको आपके ग्रेस से गिरा सकें, जिससे कि वो आपको नीचा दिखा सकें। इसलिए आपका जो ट्रू सेल्फ है आपको उसमें रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, ओके थैंक यू, यहाँ पे क्योंकि इम्पॉर्टेंट एंड है और बिगनिंग है, यानी कि कुछ कॉलेप्स होने वाला है, कुछ गिरने वाला है, और ये वही है जिसका इंतज़ार बहुत समय से है, यानी कि वो टावर मोमेंट। तो ये आपके जीवन में पुरानी चीज़ों को ध्वस्त करने वाला और नई चीज़ों को लाने वाला है, इसलिए साईं बाबा भी आपसे ही कह रहे हैं, सभी देवी देवता आप जिन जिनको मानते हैं सभी आपसे, पूरा डिवाइन वर्ड यही कह रहा है, अपने ग्रेस से गिरने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज कर देना चाहते हैं। पावरफुल पर्सनल ग्रोथ, तो आपसे साईं बाबा कहना चाहते हैं अपनी जो ग्रोथ है या अपनी लाइफ की जो सक्सेस है, ये अभी लास्ट रीडिंग में भी हमने देखा था ना मैसेज, पावरफुल पर्सनल ग्रोथ। आगे बढ़ने से पहले, ये वीडियो मैं आपको कल दे रही हूँ लेकिन एक वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है मेरे, वो पुराने सेटअप के साथ है जो वीडियो मैं आपको दूंगी इसके बाद में, तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये कैसे हो रहा है क्योंकि ये सेटअप चेंज है। ये वीडियो मैं आपको पहले दे रही हूँ ताकि, क्योंकि दिन ही ऐसा है और मैसेज भी, ताकि आप अवेयर रहें, और वो वीडियो आपको बाद में मिलेगा लेकिन पुराने सेटअप के साथ में, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो पर्सनल ग्रोथ का आपका समय है और अपनी आप अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए अपनी पर्सनल ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, आपने बहुत कुछ जान लिया है और आप कोई अकेले नहीं है। तो कुछ लोग ये सोचकर आ सकते हैं आपके पास में, ये आना चाहते हैं कि आप अकेले हैं, यानी कि उनको ये, कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा है आपके होने से, या आपको वो आके ये कह सकते हैं तुम तो अकेले हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम तो जीवन में इस जगह पहुंच गए हो, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने आप को अकेले नहीं समझो। लेकिन बात यह है कि ना तो आप अकेले थे, ना ही आप अकेले हैं और ना ही आप कभी अकेले होंगे। ब्रेकिंग डाउन, तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे अब एक नई शुरुआत की तरह हैं। बिलीव इन योर मैजिक, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं क्योंकि आप किसी ऐसी एनर्जीज में अब आके पहुँच रहे हैं जहाँ पर आपको खुद पे ही बहुत सारा ट्रस्ट करना होगा। लोगों की नज़रों से अगर आपने खुद को जज किया तो ध्यान रखिएगा लोग आपके जैसे नहीं हैं, हालांकि आप उनको उस लाइट में देख सकते हैं, या आप ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर भी ईश्वर है, इसके अंदर भी डिवाइन लाइट है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि उन लोगों ने अपनी डिवाइन लाइट को देखना चूज नहीं किया, उन्होंने अपनी डिविनिटी को चूज नहीं किया, उन्होंने अपनी हीलिंग को चूज नहीं किया, इसलिए अगर आपने किया है तो आपको उसी जगह पे ले जाना चाहते हैं जहां पे आप वुंडेड थे। काम एंड क्योस, तो देखिए वेर इज योर हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में जो ये है क्योस की एनर्जी लाना चाहते हैं लेकिन आप
बहुत सारे लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लोग आपकी लाइफ के अंदर क्योस क्रिएट करना चाहते हैं, बवंडर क्रिएट करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि आप हील नहीं हुए हैं, लेकिन ये नहीं कहना चाहते अगेन कि हम पोक करने वाले हैं या हम पोक करना चाहते हैं लव इज स्ट्रेंज। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये आपका कोई एक्स लवर हो सकता है, एक्स पर्सन हो सकता है जो कि आपको, या एक्स लोग हो सकते हैं डेफिनेटली जिनके साथ आप किसी तरह के कनेक्शन में नहीं है, या आप इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते या आपने नहीं रख रखा है। और अगर आपकी लाइफ में, और अगर आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं भी हैं, ठीक है, अगर हम लोगों की बात छोड़ दें, तो आप उस सिचुएशन में या उस जगह में पहुंच रहे हैं जहां पर आप अपनी न्यू एनर्जीज़ को महसूस कर सकते हैं और आप न्यू डोर्स में, नए दरवाजों में जाने के लिए आप तैयार हैं। यहाँ पे लिखा है ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, यानी कि आपके लिए ईश्वर के दरवाजे जो हैं, स्वर्ग के दरवाजे जो हैं, खुलेंगे या खुल रहे हैं। अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। तो आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटीज या डिवाइन की तरफ से ये दरवाजे खुल रहे हैं और आप उससे बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे साईं बाबा ने भी मैसेज दिया था यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस स्टार्ट वॉकिंग। तो आपको अपनी सक्सेस की रोड पर या आपको अपनी खुशियों की रोड पे चलना है और उसी चीज को आपको चूज करना है जो कि आपकी लाइफ के हैप्पीनेस और ग्रोथ से रिलेटेड है, बजाय इसके कि आप उन चीजों को चूज करें जहां पे आपको कोई खुशी नहीं मिलती या नहीं मिल सकती। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कोई एक्सपेक्ट नहीं है आपका, तो थैंक यू सो वेरी मच। टू ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो अगर आपको ये लगता है किसी भी सिचुएशन में कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटीज के लिए आप पेशेंस भी रखिए, फेथ भी रखिए, और पेशेंस और फेथ के साथ किसी अफर्मेशन का यूज़ कीजिए। वैसे आप ऑलरेडी उस जगह पे हैं जहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है या फिर जिन भी चीज़ों को लेकर आप कन्फ्यूज थे, वो कन्फ्यूज़न आपके ख़त्म हो रहे हैं। मुझे क्या लगता है कि इसके नीचे ही कौन सा कार्ड है, इसके नीचे ही कार्ड देखिए इंटॉक्सिकेशन डिस्टॉर्टेड व्यू ओवर इंटेलिजेंस। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए आईज बनी हुई हैं, आपकी आईज अभी तक जो क्लोज थी, अब आपकी आईज ओपन है रियलिटीज को देखने के लिए। आपकी आईज जो ओपन है, कुछ मामलों में आपको अपनी इंट्यूशंस को भी यूज करना है, यानी कि जहां पर आप अपने विजन पे यकीन नहीं कर पा रहे हो, अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहे हो, वहां पर आपको अपने अंदर जाना है और अपनी इंट्यूशंस की सुननी है और उनको ही, उसको सुनकर आपको डिसीजन लेने हैं। तो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आप आगे बढ़ रही हैं, इस चैनल पे होती हैं मैजिक की बातें जो कि लोग आपकी तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, ब्लैक मैजिक हो, साइकिक अटैक हो, रिचुअल्स हो, स्पेल्स हो। तो ध्यान रखिएगा, जिन जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, जो नए दरवाजे खुल रहे हैं, उससे पहले आपके लिए इल्यूजन की परतें चढ़ी होंगी, इसलिए आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है। और आप सुन पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास में ऑलरेडी लॉर्ड जीसस की या फिर आपके ऊपर ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर साईं बाबा की, क्योंकि साईं बाबा के वीडियो से ही यहाँ पे कार्ड से ही मैसेजेस आए हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और इसके नीचे कार्ड है सोशल मीडिया का, बिलीव इन योर मैजिक का। तो देखिए क्योस और काम की एनर्जीज है ना यहाँ पे, तो ये कार्ड तभी आपके लिए आता है जब आप अपनी, आपका अपने इमोशंस के ऊपर पूरी तरह से बैलेंस होता है या फिर आपकी कमांड अपने इमोशंस के ऊपर होती है। तो देखिए अगर आपके साथ में कोई ऐसी चीजें नहीं है जहां पे लोग आपको ट्रिगर करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप उस सिचुएशन में हैं या आपको सिचुएशन में होना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड उस रो के अंदर आया है जहां पर आपको ये करने की जरूरत है। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगी और आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएंगी। आपको ये करने की जरूरत है कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है और अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। आपके ऊपर हो सकता है कि कोई अपनी एनर्जी भी प्रोजेक्ट कर रहा हो, यानी कि कोई इंसान आपके व्यू को चेंज करना चाहता हो अपने प्रति, जिससे कि आप उसकी अपनी इंट्यूशंस को ना सुन पाए और उसके प्रति जो आपके विचार है उसके ऊपर एक परत चढ़ जाए, आप एक इल्यूजन में चले जाएं। ये इंसान लगातार हो सकता है आपके माइंड के साथ खेलने की या फिर आपके अंदर अपनी एनर्जीज को डालने की कोशिश कर रहा है ध्यान लगा के। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये पर्सन जो भी है, ये इसको मैं क्योंकि अब उस तरह से बता रही हूँ आपको, ये पर्सन जो भी है ये आपके हाथ से उन मौकों को छीन देना चाहता है, ये छीन लेना चाहता है, ये आपके हाथ से उन मौकों को ले लेना चाहता है जहां पर आपके लिए कोई सक्सेस या ग्रोथ है, जहां पर आपके लिए न्यू डोर ओपन हो रहे हैं। यानी कि इंसान चाहता है, जैसे इसके हाथ से रेत फिसल रही है, यहाँ पे इसके हाथ से ये रेत फिसल रही है, ये इंसान चाहता है आपके जीवन से ऐसे ही मौके फिसल जाएं, आपके जीवन से ऐसी ही सफलताएं फिसल जाएं और ऐसे ही आपके जीवन से इस नए दरवाजे की चाबी जो है फिसल जाए और आप वहीं रह जाएं जहां पे आपको रखने की कोशिश है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है और कुछ लोगों के लिए वैसा भी है कि आपको जरूरत है कहीं ना कहीं
आगे बढ़ते रहने की, और ईश्वर की ब्लेसिंग से आप आगे ही बढ़ेंगे, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने एक बात बताई है लास्ट वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो, और अगर आप मेरा कोई वीडियो देखते हैं, कोई आप छोड़ देते हैं, तो सारे वीडियो देखा करिए, आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे। लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि जो आकाशिक रिकॉर्ड हैं वो सील हो चुके हैं ऑलरेडी लॉइंग गेट पोर्टल पे ही। लॉइंग गेट पोर्टल पे जो जब आकाशिक रिकॉर्ड सील हुए थे, उसके साथ ही सारी डेस्टिनीज भी सील हो गई थी। अब कुछ ऐसा चीज़ नहीं होगी जहाँ पे लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करें और आपके ऊपर काम कर जाएं वो चीज़ें। हाँ, लोग इल्यूज़न आपके ऊपर डालने की कोशिश कर सकते हैं, फिजिकली आपके साथ झगड़े करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको इस चीज़ के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करके कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं, आप सही बातें नहीं सोच रहे हैं, आपके बिलीफ सिस्टम खराब हैं, या आपका तो पूरा रास्ता और पूरी चॉइस ही खराब है। आपके अंदर ना डिविनिटी है, ना आपके अंदर प्योरिटी है, ना आपके अंदर कुछ सोचने समझने की शक्ति है। नाइन ऑफ वांड्स बात करता है स्पिरिचुअल वॉरियर की। तो मैंने जैसे कहा, यहां कुछ नहीं होने का है, इसलिए नहीं होने का है क्योंकि आप में एक स्पिरिचुअल वॉरियर। ये कार्ड कार्मिक कार्ड भी है, साथ ही साथ ये कार्ड जिस जगह के क्लैरिफिकेशन में है वो ये कहता है, अब आपको इतना ज़्यादा अपने साथ परेशान होने की, आपको रिजेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो न्यू डोर ओपन हो रहे हैं, ये आपके लिए उस एनर्जी की बात कर रहे हैं जहाँ पे 9 से आप जा रहे हैं 10 की एनर्जीज में, यानी कि इस चैप्टर को आप हमेशा के लिए अब क्लोज कर रहे हैं। ये चैप्टर अब आगे नहीं बढ़ेंगे और अब आगे बढ़ने का टाइम भी इनका खत्म हो चुका है। और ये बात इन लोगों को भी पता है, जो लोग भी आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं इन लोगों को पता है। और देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो अपनी किसी सिचुएशन में आपको अपने ऊपर कुछ काम करने की ज़रूरत है। देखिए, ये ऐसा ही है, हर सिचुएशन में ना हमारे लिए, हम सबके लिए लर्निंग और लेसन होता है। आपने अगर अपना लेसन लर्न नहीं किया है तो इसलिए आपकी लाइफ में सिचुएशन चलती रहेंगी। क्या लेसन लर्न करना था, कहाँ से आपको आगे बढ़ना था, क्या डिसीजंस आपको लेने थे, क्या आपने नहीं लिए। कई बार आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि मैं इसी घर में रहता हूँ या मैं इस घर में रहती हूँ और ये लोग मुझ पर स्पेल वर्क करते हैं। देखिए, अगर आप उसी घर के अंदर रहते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है पहली बात, मतलब आप जो लिख रहे हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी प्रॉब्लम नहीं। इस बात को समझिएगा जो मैं कह रही हूँ। अगर आप ये लिखते हैं कि मैं उसी घर में रहता हूँ या रहती हूँ और ये लोग मुझ पर स्पेल वर्क कर रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे लोगों से कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म करना होता है। अगर आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ही हैं और अगर आप घर में ही रह रहे हैं तो देखिए, किसी भी हाल और हालात के अंदर आप उनसे बचे नहीं रह सकते। वो आपके खाने में करेंगे, आपके कपड़ों पर करेंगे, आपके बालों पर करेंगे या किसी और सिचुएशन में करेंगे। कुछ नहीं है तो आपको घर में ही बांध के रख देंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपको ऐसे लोगों से चीज़ें खत्म करनी है तो सबसे पहले आपको उनके साथ नो कांटेक्ट जोन में ही जाना होता है। इसलिए जब ये मैं रीडिंग करती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ ये आपके पास्ट के लोग हैं, ये इसलिए ही क्योंकि ये उन्हीं के साथ चीज़ें जाएंगी जो लोग अपने उन लोगों को पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो डिवाइन आपको कुछ चीज़ों को समझाना या बताना चाहते हैं, आपको कुछ लेसन लर्न करवाना चाहते हैं। पर आप मेरे कहने की वजह से अपना घर नहीं छोड़ सकते, ये काल्पनिक कथा है। काल्पनिक कथा के आधार पर आप कैसे घर छोड़ सकते हैं अपना, छोड़ेंगे तो आपकी जिम्मेवारी होगी क्योंकि आपकी सिचुएशन में आपके साथ क्या है और आप उसे कैसे डील कर सकते हैं। कुछ लोग अपना घर छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, कुछ लोग अपना घर बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। तो देखिए, हीलिंग का एक प्रोसेस होता है, हीलिंग का एक टाइम होता है, हीलिंग का एक तरीका होता है और वो स्टेप बाय स्टेप होती है, लेकिन उसके लिए स्टेप लेने पड़ते हैं। आप अपनी लाइफ में क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या लेंगे, आपको क्या लेने चाहिए, या आपकी स्थिति पर, आपके इंट्यूशन पर, आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन पर और आप जो एक्शन और रिएक्शन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, जो लोग भी आपको, हमको, हम सबको बांध के रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि आप उनके कंट्रोल से छूट जाएं। वो तो हमेशा ही आपको डोमिनेट करना चाहेंगे। जो साथ में रहकर कर सकेंगे वो साथ में रहकर करेंगे, जो साथ में रहकर नहीं कर पाएंगे वो दूर से रहकर करेंगे। आपके दिमाग पे हावी होने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर अपनी एनर्जीज को पुश करने की कोशिश करेंगे। करने खुद नहीं कर पाएंगे तो चार लोगों को और ले आएंगे, चारों दिशाओं से आपके ऊपर वार करेंगे। तो लोग तो यही करते हैं, इसलिए डिसीजंस लेने जरूरी हैं। ये कार्ड है आपके लिए, आपकी सक्सेस का, आपके आगे बढ़ने का और टीम वर्क का भी। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसमें नेम, फेम और रिकॉग्निशन आता है। तो आपकी लाइफ में आप जो भी चाहते हैं डिवाइन उसको देख रहा है, और सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस अगर है किसी कारण से तो आपकी वो प्रेजेंस कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन का कारण बन रही है या आपके लिए बनेगी, यानी कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। और मेरी रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए ही है यहाँ पे जो किसी पे स्पेल वर्क नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि मेरी इंटेंशन यही है कि मेरी रीडिंग उन्हीं को सर्व करें या उन्हीं को आगे बढ़ने में मदद कर पाएं जो कि बढ़ना चाहते हैं सही तरीके, सही बात से। और मुझे लगता है इससे सिर्फ उन्हीं को दिक्कत होगी जो कि ये नहीं चाहते,
है ना। तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरी प्रेयर हमेशा यही रहती है सभी सभी के लिए डिवाइन से, कि जो लोग भी मुसीबतों में हैं, जिन्होंने मेरी तरह की मुसीबतें झेली हैं या झेल रहे हैं, या जिनके ऊपर ये स्पेल वर्क साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं और लोग उनको डोमिनेट करने की और उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हेल्प मिले, तो ये वीडियोस उन्हीं को हेल्प कर पाएंगे या फिर उन्हीं के लिए हैं। अगर मेरी वीडियोज़ को सुन के अगर आप किसी पर स्पेल वर्क करते हैं, या आप अगर आप मेरी वीडियोस में सुनते हैं कि डोमिनेशन किया, कैंडल मैजिक किया, और फिर आपको पता नहीं है और आप सोचे अगर मैं उसके ऊपर डोमिनेशन जाके कर लूँ, मैं उसके ऊपर ये कैंडल मैजिक कर लूँ, तो ये काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये मैं अभी बता रही हूँ आपको, नहीं करेगा। क्योंकि मैंने आर्कएंजल माइकल को क्लियरली ये रिक्वेस्ट की थी जब उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे अपने सच बोलने हैं, जो यहाँ पे जो ट्रुथ है मुझे बोलने हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, स्पेल वर्क हो रही है, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं, ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, डेथ रिचुअल्स हो रहे हैं, तो मैंने हर चीज़ यहाँ पर बोली है। और इसलिए आप लोगों को गाइड भी करने लगी हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे चैनल के ऊपर इतने स्पेल वर्क होते हैं कि ना व्यू आए, ना मेरा चैनल चले, ना ही मैं कोई काम कर पाऊँ, मेरी एनर्जीज को खींचा जाता है। लोग पूछते हैं आप ग्लव्स क्यों पहनते हो, ग्लव्स इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मेरे हाथ पे वार किए जाते हैं बार बार, मेरी जब मैं आपके साथ ऐसे ऐसे बोलती हूँ तो ये पिक्चर्स ली जाती हैं, पिक्चर्स के ऊपर फिर वार किए जाते हैं, और पता तो चलता है ना। तो मैं क्या करूँ, मैं अपनी सेफ्टी के लिए जो कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ, और मैं हर चीज़ बार बार आपको नहीं बता सकती। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, आपको मेरी बातों के, अपनी पूछी हुई बातों के जवाब आपको मिलते हैं। अब हर वीडियो में मैं सेम चीज़ तो नहीं दोहरा सकती, लेकिन फिर भी अपने डिसीजन हमको लेने होते हैं और वो हमें लेने भी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी ही हैं। अगर आप ये सोचें कि आप मेरे वीडियो सुन के आपको कुछ नहीं पता, आप जाके किसी पे कोई साइकिक अटैक करेंगे, कोई स्पिरिचुअल अटैक करेंगे, यही मैं आपको बोल रही हूँ, वो आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त बैकफायर करेगा। क्योंकि मैंने जब मुझे आर्कएंजल माइकल ने ये सारा ट्रुथ बोलने के लिए कहा था ना, तो मैंने उनको यही पूछा था कि आर्कएंजल माइकल अगर मैं ये सब चीज़ें बोलूँगी और जिनको नहीं पता वो लोग इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो किसी और को हार्म होगा। तो उन्होंने मुझे बोला था ये जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस में सुनकर किसी पर भी कभी भी लाइफ में, कभी भी लाइफ में आप मेरे वीडियोस में आपने कभी भी कोई बात सुनी है और आप जाकर किसी पे मिसयूज करने वाले हैं, तो मैंने अभी आपको बता दिया है बिल्कुल हम्बली, आपके ऊपर वो चीज़ बैकफायर करेगी आर्कएंजल माइकल की तरफ से। ना आप उनको रोक सकते हैं और मेरा इसमें कोई रोल है ही नहीं, लेकिन मैं अपने वीडियोस की वजह से, अपने चैनल की वजह से, अपनी बातों की वजह से मैं किसी की लाइफ का नुकसान नहीं होने दूंगी। ना मैंने कभी किसी का नुकसान किया है, ना ही मैं, और देखिए हो सकता है कभी गुस्से में मैंने कुछ कह दिया हो, किसी से झगड़ा कर लिया हो, तो वो बात देखिए एक अलग है कि गुस्से में इंसान कुछ कर लेता है या वो, लेकिन साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें मैंने नहीं की। हाँ, बोलने बोलने की बात अलग है, क्योंकि बोलती तो मैं हूँ, तो बोलने की बात अलग है, लेकिन मैं उस लेवल पर कभी नहीं गई कि मैं लोगों के ऊपर अटैक करूँ या उनको जान से मारने की कोशिश करूँ या उनके ऊपर सारे लोगों को छोड़ दूँ कि जाओ इस इंसान को तहस नहस कर दो, ऐसी सोच मेरी नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप मेरे वीडियोस में कुछ भी सुनते हैं और आप जाकर उसको प्रयोग करने वाले हैं तो उसका असर आपके ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि किसी का नुकसान किया जाए। यहाँ पे कार्ड है फाइव ऑफ कप्स का, तो डेफिनेटली आपको जो करना है उस सारी सिचुएशन के अंदर ये चीज़ आपके लिए रिलीज होने होने की जगह पे है, जहाँ पे हमेशा ही आपको लॉसेस महसूस होते थे या फिर आप हमेशा एक लॉस की एनर्जीज में रहते थे, आप उस जगह से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि वो जो लॉस का टावर था वो गिर रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में और आप आगे बढ़ रहे हैं। टू ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, ये कार्ड बात करता है, हमेशा ही मुझे इस कार्ड में जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है मुझे डिवाइन वर्ड की और फिजिकल वर्ड की। तो यहाँ पर डिवाइन और जो फिजिकल वर्ड है उसमें एक बहुत अच्छा तालमेल है आपके लिए। यहाँ पे है एम्प्रेस की एनर्जीज, यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जीज, तो डेफिनेटली ये आपके लिए डिवाइन जस्टिस की एनर्जीज हैं, इसलिए डिवाइन आपके लिए रास्ते खोल रहा है और आप ऐसी जगह उनसे बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर आपको या तो इमोशनली मैनिपुलेट किया गया है या फिर करने की कोशिश की जा सकती है। यानी कि यहाँ पर जो लोग भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे या करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं किसी भी कारण से या कर सकते हैं भविष्य में, वो लोग ये भूल रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन तेज है, आप एक हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज में हैं। हाई प्रिस्टिस के ऊपर कोई भी मैजिक काम नहीं करता कभी भी, जिन लोगों को पता नहीं है ये बात मैं उन लोगों को बता रही हूँ। हाई प्रिस्टिस के ऊपर कोई भी मैजिक कभी काम नहीं करता है, क्योंकि हाई प्रिस्टिस ऑलरेडी गॉड की ग्रेस में होती है, लॉर्ड जीसस की ग्रेस में होती है या फिर डिवाइन की प्रोटेक्शन में होती है। कोई भी हाई प्रिस्टिस ऐसे ही नहीं होती। जो लोग डार्क प्रिस्टिस होती हैं, यानी कि डार्क हाई प्रिस्टिस होती है, वो तो बात करती है स्पेल वर्क की, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो रियल में डिवाइन के साथ में कनेक्टेड हाई प्रिस्टिस होती है, उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है कि वो अपने लिए परेशान हो, क्योंकि उसके लिए पूरा डिवाइन वर्ड परेशान होता है, ये एक रियलिटी है। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव, तो बिल्कुल आप
ईश्वर से मांगिए, अपनी अपने लिए अफर्मेशंस का यूज कीजिए, ईश्वर आपके लिए नए दरवाजे खोल रहा है। यहाँ पर भी लिखा है ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आपकी मदद करेंगे। और अगर आप इनको नहीं मानते हैं, क्योंकि हर पर्सन नहीं मानता है, तो यहाँ पर आप प्रेयर्स को और अफर्मेशंस को यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या ग्रोथ करने के लिए। इनकी ईश्वर आपके लिए वो समय लेकर आ रहा है जहां पर आपकी इच्छाओं के पूरे होने का वक्त है, इसलिए ऐसे लोग आपकी एनर्जी में बार बार टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो आपको रोकना चाहते हैं। लॉर्ड जीसस दोबारा अपीयर हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर लॉर्ड जीसस, मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो ये कोई मस्कुलिन हो सकता है जो कि लगातार आपकी एनर्जी में टैपिंग कर रहा है, या फिर ये कोई फीमेल हो सकती है जो बहुत स्ट्रांग अपनी मस्कुलिन एनर्जीज में है और लगातार आप पे वार कर रही है, करना चाहती है या इसने किया है। लॉर्ड जीसस यहाँ पे दोबारा अपीयर हैं और लॉर्ड जीसस की एनर्जीज बहुत ही प्योर हैं, बहुत ही, अगर कभी आपने उनकी एनर्जीज को फील किया, देखिए मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में बहुत ही, जितना भी मैंने इस एनर्जी यहाँ पे एनर्जीज को समझा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, उसमें मैंने जितने भी असेंडेंट मास्टर से या आर्कएंजल से मेरा कनेक्शन हुआ है, जितनी भी डीटीज से हुआ है, मतलब जितने लोगों को भी एनर्जी लेवल पे, जितनी डिवाइन बींग्स को मैं एनर्जी लेवल पे जानती हूँ, तो उनमें जो लॉर्ड जीसस हैं, सभी की एनर्जीज अलग अलग तरह से होती हैं। जो मास्टर जीसस हैं यहाँ पे लॉर्ड जीसस, इनकी एनर्जी बहुत प्योर है और बहुत ही शांत है, बहुत पीसफुल एनर्जीज हैं। जब लॉर्ड जीसस अपीयर होते हैं तो बड़ी ही ना ग्रेस वाली एनर्जीज होती हैं, जैसे सब जगह शांति छा जाती है, पीस आ जाता है, मन को आराम मिल जाता है, घाव जो है भर जाते हैं, ऐसी एनर्जीज हैं इनकी, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम आपके लिए कर सकती हूँ, जो लोग लॉर्ड जीसस को मानते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से मैंने इस डेक को यूज़ नहीं किया है, बहुत लॉन्ग टाइम से लॉर्ड जीसस का ये डेक है, तो इसमें शायद कुछ साम यहाँ इसमें कुछ ये साम बोलते हैं नहीं क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या मैसेज आता है लॉर्ड जीसस की तरफ से। मैंने सोचा था इस डेक को मैं हमेशा साइड में रखती थी क्योंकि ये मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं मैसेजेस, तो लेकिन एक दिन मैंने देखा कि चलो अब इनको भी निकाल ही लेते हैं, फिर मैं सोचा था किसी रीडिंग में इनको वो करूंगी, लेकिन लॉर्ड जीसस दो बार यहाँ पर आ गए हैं तो शायद वो अपने कार्ड के डेक में से भी आपको मैसेज देना चाहते हैं। साईं बाबा की एनर्जीज भी ऐसी ही हैं, साईं बाबा की एनर्जीज भी श्रद्धा और सघुरी वाली हैं, बहुत बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है, एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है ये। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड जीसस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन एनर्जीज बहुत 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 प्यारी होती हैं लॉर्ड जीसस की। लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू, तो लॉर्ड जीसस चाहते हैं कि अगेन, देखिए वही मैसेज है जो कि यहाँ पर आया था कि सभी को उसी डिवाइन लव और लाइट में देखिए, तो आप देखिए लव और लाइट में, कोई दिक्कत नहीं है, बस सावधान रहिएगा, यानी कि आपको यहाँ पे अगर कोई ट्रिगर करने की कोशिश करता है तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड जीसस से कहिएगा कि आपको उसके अंदर की लाइट देखने में मदद करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब लोग ट्रिगर करते हैं तो फिर पता नहीं वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं और किस लेवल पे आपके साथ में एनर्जी लेवल पे आपको परेशान करते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, एक तरफा बात नहीं है ना कि लोग आपको सिर्फ ट्रिगर करते हैं, लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, फिर आपको ट्रिगर करने के लिए आते हैं और फिर ये देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं ये क्या और वो क्या, कई चीज़ों के जवाब मैं नहीं देती। देखिए मेरे ऊपर ना बहुत स्पेल वर्क किए जाते हैं, मेरे ऊपर बहुत साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं, जब ये अटैक मेरे ऊपर होते हैं, जब ये स्पेल वर्क मेरे ऊपर किए जाते हैं, उसके बाद लोग यहाँ कमेंट करते हैं आके ट्रिगर करने के लिए, फिर देखते हैं मैं वीडियो में वो बात बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, मैंने वो काम किया है कि नहीं किया है जिसके लिए वो मुझे मैनिपुलेट करना चाहते थे, क्या मैंने वो मैसेज रिसीव किया है कि नहीं किया है जो वो मुझे देना चाहते थे, क्या मैं कुछ वो बातें ट्रिगर कर बोल रही हूँ, मैं गुस्से में हूँ कि नहीं हूँ, मैं किस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ, तो मुझे पता चलता है, सब पता चलता है। इसलिए ना अब हर बात का जवाब देना मुझे जरूरी नहीं लगता। Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. तो बार बार आपको एक ही बात कही जा रही है डिवाइन वर्ड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, कि आपको अपना पीस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई तो आपकी पीस को खराब करना चाहता है, यानी कि कोई आपको आपकी डिविनिटी से अगेन गिरा देना चाहता है, या लोगों को ये दिखाना चाहता है कि आप डिवाइन नहीं है, आप प्योर लाइट में नहीं है, आप हील नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए आगे दरवाजे खुल रहे हैं, इसलिए आप उस दरवाजे को क्रॉस ना कर पाएं, या फिर किसी दरवाजे को क्रॉस करने से पहले आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले, जैसे वो होता है ना कि किसी को कोई पोजीशन मिलनी है,
कि आज के दिन ये इवेंट है और ये पोजीशन मिलनी है, उससे पहले उस इंसान का नाम लेके तमाशा कर दिया जाए, उससे पहले उस इंसान का नाम लेके उसे बदनाम कर दिया जाए, ताकि अगर वो उस पोस्ट तक या उस जगह तक, उस इवेंट तक पहुंच भी जाए तो उसकी जो खुशी है, पहली बात उसकी खुशी खत्म हो जाए, दूसरी बात जो उसको मान सम्मान मिलना है वो उसका आधा ही रह जाए, या फिर लोग जो उसको उस जगह से देखना चाहते हैं या देख रहे हैं वो उसको उस जगह से ना देखकर उसको गिरी हुई नज़रों से देखें, या आधे लोग गिरी हुई नज़रों से देखें, आधे लोग कहें नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो लोगों के मन में डाउट डाल दिया जाए। तो ये कोई ऐसी ही घटना आपके साथ करने की तैयारी है लोगों की, जहाँ पे लोग आपको आपकी जगह से गिराना चाहते हैं, या आपको बदनाम करना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि अगर आपको कोई पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है या मिल सकता है। अब ये क्यों करना चाहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बार 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 आपकी एनर्जी में टैपिंग करते हैं, आपकी एनर्जी में चीज़ें पुश करते हैं, और ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कितना चल रहा है और कहाँ तक पहुँचा है, ताकि उसको मैनिपुलेट किया जा सके। इसलिए उस टाइम पीरियड में आपके साथ बात करने की, आपके साथ अटैक करने की, या आपकी चीज़ों को ख़राब करने की तैयारी है जिस टाइम पीरियड में आपको आगे बढ़ना है। तो ये लोग डेफिनेटली प्लानिंग प्लॉटिंग करके ही आपके साथ ये करने वाले हैं। तो आपको अपने पीस को मेंटेन करना है, आपको अपने ग्रेस को मेंटेन करना है, क्योंकि जो लोग करना आपके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं उनको आप क्या रोक सकते हैं, है ना? उनको करने दीजिए जो आप कर रहे हैं। जब यहाँ पे आपके लिए पूरा डिवाइन वर्ड बैठा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, तो इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू। तो देखिए, आप जो ईश्वर से मांगेंगे वो आपको देगा, इसके बाद तो कार्ड लेने ही बेकार हैं। तो यहाँ पे हील द सिक दैट आर देयर इन एंड से अन टू देम द किंगडम ऑफ गॉड इज कम नाइट ऑन टू यू। अब इसका मतलब देखिए मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली, आप इसे पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा अगर आपको ये दिख रहा है तो, क्योंकि इसका डीप मीनिंग तो मुझे नहीं मालूम है, है ना? लेकिन मुझे इतना पता है बस कि लॉर्ड जीसस की एनर्जीज बहुत ही प्योर और बहुत ही प्यारी होती हैं, बहुत ही पीस वाली होती हैं, प्योर प्यारी और पीस वाली होती हैं, तो बहुत अच्छी होती हैं। कहने का मतलब ये है मेरा। तो आज की रीडिंग के लिए बस अब मैं इसे यहीं खत्म करूंगी जैसे तैसे करके, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बारे में आप जो थोड़ा बहुत और जानना चाहते हैं, सेकंड चैनल पे वो वीडियो देख लीजिएगा साईं बाबा का, जो डेली एंजल गाइडेंस का वीडियो आता है आपको मिल जाएगा। तो आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।